खलुई छापेमारी के बाद सीए सुमन कुमार को ईडी की टीम पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। फिलहाल इस छापेमारी के बाद राजनीतिक गलियारे में भी हलचल तेज हो गई है। इस बीच सीए सुमन कुमार के आवास का जायजा लिया सहयोगी करिश्मा ने। झारखंड की महिला आईएएस पूजा सिंगल पर ईडी ने शिकंजा कसा है। जिस तरीके से 6 मई को तमाम जो कह सकते हैं कि जो पूजा सिंगल के आवास है और अन्य 20 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की है, जिसके बाद झारखंड की राजनीति पर बेहद हलचल भी देखने को मिल रही। आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तो मानो तेज हो गया है। एक और जहाँ पे बीजेपी का सीधा निशाना सरकार पर है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार किस तरीके से अधिकारियों की नियुक्ति लेती है, ये सरकार की मानसिकता को झलकाता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि क्या बीजेपी को नहीं पता है कि अधिकारी की नियुक्ति कैसे ली जाती है। जिस तरीके से ईडी का शिकंजा महिला आईएएस पूजा सिंगल पर पड़ा है, उसके बाद जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के हनुमान नगर में, जहाँ पर पूजा सिंगल के जो सीए है इसी जो कह सकते हैं अपार्टमेंट में रहते हैं, 104 फ्लैट नंबर पे वो रहते हैं। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी ने पूजा सिंगल के आवास समेत 20 अन्य ठिकानों पर जिस तरीके से छापेमारी की है, लगभग 19 करोड़ 31 लाख सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 19 करोड़ 31 लाख नगद बरामद हुए हैं। साथ ही साथ अगर पूरा देखा जाए तो मिली जानकारी के अनुसार लगभग 25 करोड़ की नगद बरामद की गई है। हालांकि अगर अभी की जानकारी दे तो राजधानी रांची के पल्स अस्पताल में ईडी ने फिर से एक बार छापेमारी शुरू कर दी है। और आप पहले तो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहां पे उनके सीए सुमन कुमार रहते थे और यहीं से कल ईडी ने जो छापेमारी है वो शुरू की थी। और लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया था, झारखंड की राजनीति में बेहद हलचल भी देखने को मिल रही थी। हमारे साथ यहाँ के जो गार्ड है वो मौजूद है, इनसे सीधा बात करते हैं कि जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई है, सुमन कुमार जी यहीं पे रहते हैं, कितनी उनके पास गाड़ियाँ है, कौन से फ्लैट नंबर पे रहते हैं? फ्लैट नंबर 3 वो गाड़ी है यहाँ, हाँ यहाँ मौजूद है। फ्लैट नंबर 104 में रहते हैं जी। कब आते जाते थे कुछ ऐसा? हम नहीं थे, हम छुट्टी में थे। अच्छा, शादी भी हम गए थे, मतलब लगातार वो यहीं रहते थे ये कह सकते हैं? नहीं, यही घर है तो यहीं रहते थे। अच्छा, कौन कौन घर पे ऐसे रहते थे कुछ पता है? पारिवारिक लोग रहते हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से कल ईडी की जब छापेमारी हुई आप मौजूद थे? हम दूसरा गार्ड था, हम नहीं थे कल। अच्छा, कल आप नहीं थे? अच्छा, पता है ना ईडी की छापेमारी? हाँ, छापेमारी हुआ। तो मतलब यहाँ पे उनकी 3 गाड़ी थी? हाँ, 3 सामने गाड़ी, दो ऐसे सामने, मतलब ये इनकी गाड़ी है, ये तो दो है नीचे 3। तो आप देख सकते हैं कि इनका साफ तौर पे कहना है कि इस फ्लैट में उनकी 3 गाड़ियाँ रहती थी, यानी कि सुमन कुमार जो पूजा सिंगल के सीए है उनकी 3 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपार्टमेंट की जहाँ पे सीए सुमन कुमार रहते थे। और कल जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई उसके बाद नगद यहां से बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी जो ईडी की छापेमारी है वो फिर से पल्स अस्पताल में शुरू हो गई है। कल जिस तरीके से मिली जानकारी के अनुसार 19 करोड़ 31 लाख नगद बरामद हुए। अगर पूरी बात करें मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 25 करोड़ नगद बरामद हुए हैं। और इसके बाद जिस तरीके से झारखंड की कह सकते हैं सियासत में बेहद हलचल भी देखने को मिल रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और कल लगभग कह सकते हैं 9 से 10 घंटे तक ईडी ने सभी ठिकानों पर लगभग 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। उसके बाद बड़ी रकम भी वहां से बरामद की गई है। हम आपको तस्वीर इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से सुमन कुमार उनके सीए थे उनके घर से भी कई रकम बरामद किए गए हैं। और यही वो जो फ्लैट है यहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहते थे। आपको हम एक बार बोर्ड दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि सुमन कुमार 104 फ्लैट नंबर पे वो रहते थे। और यहाँ पे उनका साफ तौर पे गार्ड का कहना है कि लगभग यहाँ पर उनकी 3 गाड़ियाँ मौजूद रहती थी, क्योंकि वो परिवार वालों के साथ रहते थे। और जब ईडी का छापेमारी यहाँ पर हुई तब शायद ये गार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन लगातार जिस तरीके से ईडी की छापेमारी, आज दूसरा दिन है और ईडी की छापेमारी एक बार फिर से पल्स अस्पताल में शुरू हो गई है। तो हम आपको एक बार फिर से पल्स अस्पताल की दृश्य दिखाएंगे, लेकिन आपको पहले हम यहाँ का दृश्य इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो ईडी की छापेमारी है वो इस फ्लैट में भी हुई थी जहां पर उनके सीए सुमन कुमार रहा करते हैं।
कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा।